हेलो फ्रेंड्स, अज गल करांगे आर्मिक पब्लिक स्कूल कपूरथला विखे निकलिया हुई पीजीटी ते टीजीटी दीआं पोस्टस बारे। इस तरह दीआं सारीआं पोस्टस पाउण दे लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो, जानकारी सब तो पहला पहुँचे, इसलिए बैल आइकन जरूर प्रेस करो। जी गल करदे आ पीजीटी दी पोस्टस दी। पोस्ट ग्रैजुएट टीचर दीआं इंग्लिश, इकनोमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, कमर्स, मैथमैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, कमिस्ट्री ते बायोलॉजी, इन्हां सबजैक्ट्स दीआं पोस्टस ने जी। क्वालिफिकेशन की गल कर लें, क्वालिफिकेशन है जी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए है विद द सब्जेक्ट इन विच एम्प्लॉयमेंट इज सॉट विद बी एड भी की होनी चाहिए है घट्टो घट 50% मार्क्स के नाल। ठीक है जी, ईच सब्जेक्ट च जेड़े जेड़े सब्जेक्ट लिए तुसी अप्लाई करना चाहते हो उहदे च बी एड के नाल 50% मार्क्स होने चाहिए जी। क्लीयर जी। नैक्सट गल करते हैं ट्रेन ग्रैजुएट टीचर्स की। ग्रैजुएशन की होनी चाहिए है जी सब्जेक्ट के नाल, तो बी एड होनी चाहिए है मिनीम 50% जी ईच सब्जेक्ट। हुण गल करते हैं आपां काउंसलर की। ग्रैजुएशन होनी चाहिए है साइकोलॉजी नाल विद द सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विद मिनीम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए है जी एज ए वैलनैस टीचर या काउंसलर का। नैक्सट गल कर लें पोस्ट की, स्पैशल एजुकेटर की पोस्ट है जी। ग्रैजुएशन की होनी चाहिए है बी एड नाल स्पैशल एजुकेशन या बी एड जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पैशल एजुकेशन, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए नाल जी। नैक्सट गल कर लें लाइब्रेरियन की, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और ग्रैजुएट या ग्रैजुएट होना चाहिए विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, या तो बी लिब की होनी चाहिए है या डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का जी। एंड कंप्यूटर लिटरेट विद मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, तो नाल ही 3 साल का जड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए जी। नैक्सट गल करते हैं पी आर टी की, संस्कृत की। ग्रैजुएट होना चाहिए बी एड के नाल 50% मार्क्स होने चाहिए ईच च। नैक्सट गल करते हैं जी अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की जी पोस्ट है वो ई एस एम कैटेगरी ली है जी। कमर्स ग्रैजुएट होना चाहिए है जा 15 ईयर सर्विस होनी चाहिए है एज ए कलर्क इन द डिफेंस सर्विस। बी पार्ट च क्या है इन्होंने बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स किया हो, आर्मी या डिप्लोमा होना चाहिए है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, नॉट लैस दैन 1 ईयर ड्यूरेशन, 1 साल तो घटता नहीं होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए है डबल एंट्री सिस्टम की, अकाउंटिंग की, एक्सल शीट एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जी। सी च क्या है मिनीम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए अकाउंटेंट का डिफेंस सर्विस या रेप्यूट ऑर्गनाइजेशन। लोअर डिविजनल कलर्क की गल कर रहे हैं जी ई एस एम ओनली की पोस्ट है जी, ये ग्रैजुएट होना चाहिए या 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस एज ए कलर्क। बी पार्ट च क्या इन्होंने नॉलेज होनी चाहिए है कंप्यूटर एम एस ऑफिस की, स्पीड होनी चाहिए है 12,000 की डिप्रेशन पर आवर। सी पार्ट च क्या है जी इन्होंने बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की, तो एज है जी 55 ईयर्स तक हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसैस की गल कर लें जी, सिलेक्शन है किस बेस से होएगी। एज लिमिट है जी बिलो 40 ईयर्स फॉर फ्रैश कैंडीडेट, जोड़े फ्रैश कैंडीडेट्स ने वह 40 साल तक 40 साल तो घट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो एक्सपीरियंस कैंडीडेट ने जोड़े इनकलूडिंग ई एस एम 57 साल तक अप्लाई कर सकते, 57 साल तो नीचे तक अप्लाई कर सकते जी। सैलरी है जी एज़ पर ए डबल्यू ई एस रूल्स एंड रेगुलेशन दे रहेगी। लास्ट डेट की गल कर लिए आप, लास्ट डेट है जी एप्लीकेशन फॉर्म की वो 20/5/2021 तक तुम अप्लाई कर सकते हो। सारे जेडे डॉक्यूमेंट्स ने सैल्फ अटैसट कॉपीज़ तुम देनिया ने, अटैसट कॉपीज़ किया है इन्होंने, देख लियो ध्यान सुन लियो अटैसटड कॉपीज़ किया है इन्होंने। एप्लीकेशन बाय ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ईमेल राही एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाऊगी, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएंगी। हुण गल करते हैं एप्लीकेशन परफॉर्मे की। एप्लीकेशन परफॉर्मे जिहड़ा इन उहदा लिंक अपना टैलीग्राम का चैनल है नीचे, उहदा लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उतों तुसी एप्लीकेशन परफॉर्मे जिहड़ा डाउनलोड कर सकते हो। कैंडीडेट्स ने जिहड़े शॉर्टलिस्ट लई होणगे जिहड़े उहनां नूं इंटरव्यू लई बुलाया जाएगा, तो इंटरव्यू की जी होनी है वह मई या जून के महीने च होएगी, मंथ च होएगी। टेस्ट है जिहड़ा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड टीचिंग का, वह इंटरव्यू तो बाद होएगा जी। स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व है जिहड़ा रखती है इनक्रीज़ करने लई, डिक्रीज़ करने लई, कैंसल करने लई वैकेंसीज़ नूं।
कोई TADA नहीं मिलेगा, ये सारियां जिहड़ियां शर्तस ने। प्रेफरेंस उन्हां कैंडीडेट नूं दित्ती जाएगी जिन्हां ने CSB जां CTET क्वालीफाई किया हो। अप्लाई करन दी विधि तुहानूं दसदा भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं हैगा, अप्लाई करन दे लई तुहानूं एप्लीकेशन फॉर्म है जिहड़ा डाउनलोड करना पएगा, ते 100 रुपया और सेम आलसो भी डाउनलोड फ्रॉम द वैबसाइट। सबमिट इन द रिक्वेस्टड फीस इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ। हाँ जी, जिन्हां ने वैबसाइट के उपरों एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करिया जा आपां टैलीग्राम चैनल ते लिंक दे देंगे, उतों तुसीं डाउनलोड करके भरोंगे तां उहदे नाल डिमांड ड्राफ्ट जरूर लाउणा है जी। डिमांड ड्राफ्ट है जिहड़ा 100 रुपए का बनवाउणा है, किस दे नाते बनवाउणा है, आर्मी पब्लिक स्कूल कपूरथला पेएबल एट कपूरथला। इन फेवर ऑफ च तुसीं लिखोगे आर्मी पब्लिक स्कूल कपूरथला अते पेएबल एट लिखोगे कपूरथला। 100 रुपया जिहड़ी डिमांड ड्राफ्ट की फीस होगी, उस तो बाद जिहड़े चार्जेस लगते DD दे अलग तो तुसीं लाओगे, वह अप्लाई करने वेले देख लियो तुसीं, जो DD अप्लाई करोगे उत्थे पुछ लो भी चार्जेस किन्ने ने गे। यही पोस्टस ने गियां जी, ते अप्लाई करने वेले कोई दिक्कत आ रही है तो टैगगुरू नां दा चैनल बनया होया उत्थों, नीचे डिस्क्रिप्शन च लिंक नहीं हैगा, जदों चैनल नूं जाओगे विजिट करोगे उत्थे तुहानूं टैगगुरू नां दा चैनल मिलेगा, ठीक है जी। उस चैनल नूं भी सबसक्राइब कर लियो, बैल आइकन प्रेस करो जी। होर पोस्टस पईआं ने चैनल ते विजिट करो। इस तो बाद आपां पोस्टस लैके आ रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर दीआं ने पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच, इस तो बाद पोस्ट पावांगे आपां, वह भी चैनल नूं विजिट करके देख लियो तुसीं जी। ते जिहड़ियां चंडीगढ़ हॉस्पिटल्स भी पोस्टस निकलियां ने उन्हां दी भी वैकेंसीज लैके आवांगे, इसलिए वीडियो नूं देख रहे हो तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो जी। होर पोस्टां नाल जल्दी हाजिर होने, तद तक लई बी सेफ, स्टे कनैक्टेड, बाय बाय।